أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dear students this is G.R. Mir from UPS Nawab Bazar Khumria it's class 6th subject is English and the topic is first day at school it's a poem written by poet Roger Magga first day at school dear students poem written by Roger Magga पहला दिन स्कूल का ये बच्चे का होता है पहला दिन स्कूल का सबसे पहले मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहूंगा कि क्या आपको अपना याद है पहला दिन स्कूल का जब आप गए होंगे तो जब इंसान जब ये बच्चा स्कूल जाता है पहले दिन तो इसके मन में बहुत सारे किस्म के ख्याल होते हैं नाम स्कूल तो सोचता है क्या भला होगी ये क्या होगा वहां पर जब पहुंचता है स्कूल ये बच्चे क्या है कैसे है छोटे हैं बड़े हैं अपने आप के बारे में सोचता है मुझे क्या करना है यहाँ टीचर क्या है क्लास क्या है तो क्या किया जाता है यहाँ ये सब ख्याल इसके बारे में उसके दिल में एक वहम सा होता है मन में वहम होता है अब क्या बनेगा यहाँ क्या होगा हा? कौन कहाँ से आएगा कौन टीचर क्या करेगा इसके दिल में पता नहीं मैं मुझे कहाँ लाया जा रहा है मैं कहाँ पहुंचा हूँ घर से दूर इसकी इसको घर की याद आती है माँ की याद आती है कि स्कूल में जो है अपने आप को स्ट्रेंज फील करता है अब क्या बनेगा मुझे कहाँ फंसाया गया ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज आते हैं मन में बच्चे को डर सा बैठ जाता है उसे पहला दिन स्कूल का नई दुनिया उसके लिए होती है घर में उसका माहौल अलग होता है वो जब स्कूल पहुंचता है तो उसका जो माहौल होता है उस माहौल का उसे एक्सपीरियंस नहीं होता है तो फील करता है वो उसके डिफरेंट आइडियाज मन में आते हैं क्या क्या वो फील करता है हम डिस्कस करेंगे एक बच्चा है यहाँ प्रेजेंट किया गया है रोजर मैगफ ने ये बच्चा जब स्कूल जाता है घर से निकल कर इसे लगता है कि मैं शायद हजारों मील तय करके आया हूँ पता नहीं घर से कितना दूर है ये स्कूल पहले दिन में सोचता है इसके मन में आता है घर से मुझे लाया गया पता नहीं शायद हजारों मील दूर दूर घर से लाया गया हूँ तो स्कूल पहुंचता है वहां बैठता है वेटिंग फॉर द बेल घंटी के बजने का इंतजार करता है ये बच्चा कब बेल बजे और ये अंदर चला जाए तो जब इसकी नजर जो है बच्चों पर पड़ती है ये कहता है ये इतने बड़े बच्चे ये बड़े कैसे हैं तो फिर बोलता है सो नॉइजी यहाँ शोर करते हैं शायद ही घर पे भी करते होंगे ये भी आता है इसको ख्याल बच्चों के बारे में सोचता है फिर कहता है मस्ट हैव बीन बोर्न इन यूनिफॉर्म शायद ये बच्चे पैदा हुए हैं यूनिफॉर्म में वर्दी में ही पैदा हुए हैं फिर कहता है लिव्ड ऑल देयर लाइव्स इन प्लेग्राउंड शायद उन्होंने अपनी जिंदगी सारी मैदानों में प्लेग्राउंड जहां पे हम खेलते हैं यही गुजारी है स्पेंड द ईयर्स इन्वेंटिंग गेम्स साल गुजारे हैं इन्होंने इन गेम्स को ईजाद करने में दे डिडंट लेट मी इन इसीलिए मुझे अपने साथ खेलने नहीं देते हैं फिर कहता है गेम्स दैट आर रफ दैट स्वेलो यू अप ये खेल जो है ये गेम्स जो है काफी मुश्किल है ये आपको थका देती है आपको खा जाती है आपको गंदा कर देती है इसका पहला दिन होता है इसलिए ऐसे ख्याल जाहिर करता है ऑल अराउंड द रेलिंग्स फिर ये देखता है स्कूल के इर्द गिर्द जो जंगला होता है उसके बारे में इसको नजर पड़ती है ये क्या है स्कूल बंद किया गया है साइड में रेलिंग्स जो है जंगले आर दे टू कीप आवर वुल्व्स एंड मॉन्स्टर्स क्या ये जंगले जो लगाए गए हैं हर चारों तरफ जो है स्कूल के ये भेड़ियों और भूतों को बंद करने के लिए है मॉन्स्टर्स शायद परहैप्स दे आर टू स्टॉप अस गेटिंग आउट ये भी सोचता है शायद हमें यहां रखने के लिए हम बाहर नहीं जा सकते इसीलिए ये है हमें बंद रखने के लिए ये स्कूल में रखने के लिए ये रेलिंग जो है लगाई गई है रनिंग अवे फ्रॉम द लेसन व्हाट डज अ लेसन लुक लाइक कि हम ना भाग जाएं सबक से हम सबक से भाग ना जाएं हम सबक पढ़ना छोड़ दे भाग जाए इसीलिए रेलिंग लगाई गई है फिर इसको ख्याल आता है व्हाट डज अ लेसन लुक लाइक सबक क्या होता है इसको घर में भी कहा जाता है सबक पढ़ना है तो ये ख्याल आता होगा इसको कहता है ये सबक क्या चीज है ये क्या भला है
तो सोचता है मन में साउंड स्मॉल एंड स्लिमी, लगता होगा छोटा दुबला पतला, छोटा दुबला पतला मोटा होगा ये सबक। दे कीप देम इन क्लासरूम, जिनको क्लासरूम में रखते हैं। होल रूम इज मेड आउट ऑफ ग्लास इमेज, तमाम जो कमरे बनाए गए हैं किससे बनाए गए हैं, शीशों से बनाए गए, शीशों के बने हैं। फिर क्या कहता है, आई विश आई कुड रिमेम्बर माई नेम, काश मुझे अपना नाम याद होता। यहाँ पर बेचारे को नाम भी प्रेशर से नाम भी भूल जाता है, प्रेशर से नाम भी भूल जाता है। मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है। मम्मी सेड इट वुड कम इन यूजफुल, माँ ने कहा था कि ये आपके काम आएगा, आपका नाम, अपना नाम याद रखना, ये आपके काम आएगा। हाँ, लाइक वैलीज वेन देयर इज पुडल्स, पुडल्स जिस तरह बूट, लॉन्ग बूट, लॉन्ग बूट होते हैं रबर के, जिस तरह वो जो पानी होता है, जो पानी होता है रास्तों में, जो जिनको बोलते हैं वो गड्ढे, या बारिश के वक्त जो जमा होता है, उनमें से निकलने के लिए लॉन्ग बूट्स जो है काम आते हैं। इस तरह ये कहता है, मेरा नाम भी मुझे याद काम आता। आई विश शी वॉज हियर, मैं चाहता कि मेरी माँ यहाँ होती। आई थिंक माई नेम इज सिवन ऑन समवेयर, मुझे लगता है मेरा नाम कहीं पे मेरी बॉडी पे लिखा गया है, सिला गया है। परहैप्स द टीचर विल रीड इट फॉर मी, शायद मेरी टीचर जो है वो इसके लिए, वो मेरा नाम पढ़ेगी। मेरा नाम जो है मेरी बॉडी पे जो है कहीं पे लिखा गया है, शायद मेरी टीचर वो पढ़ेगी, तो मुझे भी पता चल जाएगा। फिर इसको ख्याल आता है टीचर, टीचर क्या भला होती है। ये सोचता है द वन हु मेक्स टी, टीचर, ये शायद कहता है टी रहे टी, यू इसको सोचता है टी को चाय सोचता है, चर बनाने वाली, तो कहता है शायद चाय बनाने वाली है, ऐसे लगता है टीचर चाय बनाने वाली है, तो वही मेरा नाम पढ़े दी टीचर को। इसको ये पता नहीं टीचर पढ़ाने वाली होती है, इसको लगता है कि चाय बनाने वाली है। तो ये बेचारे का पहला दिन होता है स्कूल में, डिफरेंट आइडिया उसको घेर लिया होता है, इसको आइडियाज ने घेर लिया होता है इसको, तो परेशान होता है, ये गेस लगाता है वो कैसा होगा, ये कैसा होगा। तो इस तरह ये पहला दिन जो इसका है, ये इसके लिए यादगार बन जाता है। ये याद करता है पहले दिन क्या होता हुआ था मेरे साथ, इसको याद आता है मैं पहले दिन आया था, फिर क्या हुआ था। इसको कुछ भी नहीं पता होता है स्कूल के बारे में, स्ट्रेंज होता है, ये जानने की कोशिश करता है, ख्याल करता है टीचर के बारे में, स्कूल के बारे में, क्लास के बारे में, सबक के बारे में, बच्चों के बारे में, नया माहौल मिलता है इसे। तो ये पहला दिन जो होता है मेरे हिसाब से यादगार दिन होता है एक बच्चे के लिए, तो फिर जिंदगी भर इसको याद रहता है। फर्स्ट डे एट स्कूल, इस तरह पॉइंट ने ये एक्सप्रेस किया यहाँ पर, फर्स्ट डे एट स्कूल, किस तरह पहला दिन जो है स्कूल का गुजर जाता, क्या होता है उसमें, क्या क्या ख्याल आते हैं। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस पोएम व्हिच इज अबाउट अ चाइल्ड। तो ये पहला दिन कैसा फेस करता है ये इसमें इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।